दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पंचकर्मा टेक्नीशियन के सर्टिफिकेट कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया है और अब मिनिस्ट्री के अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी इन कोर्सेज को करके सर्टिफाइड पंचकर्मा टेक्नीशियन बन सकता है। इसके लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पंचकर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आयुर्वेदा और योग के द्वारा बहुत ज्यादा रोगी शरीर को ठीक किया जाता है। इसके सेंटर आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स में होते हैं जहां डॉक्टर की देखरेख में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और इस देखरेख के लिए टेक्नीशियन की जरूरत होती है। बिकॉज इसमें मेडिसिन, योग, थेरेपी के साथ ही कुछ डिवाइस मशीन भी होती हैं, जिसे सही ढंग से चलाना और मैनेज करना आना चाहिए। समय समय पर इसके लिए एडमिशन की इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आ रही है। जैसे अभी मिनिस्ट्री के एक संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एक साल के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन मंगाए गए हैं जिनमें 5 जनवरी 2023 तक अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स 30 होती हैं जिनमें फॉरेन नेशनल्स के लिए 2, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 7 एंड अनरिजर्व्ड के लिए 15 सीट्स होती हैं। टेक्नीशियन के अलावा इनके सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं जो कि 45 दिनों के होते हैं। इनकी फीस कैंडिडेट को देना होती है जो कि 15,000 रुपए सर्टिफिकेट के लिए होती है और 30,000 रुपए टेक्नीशियन कोर्स के लिए होती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज 45 दिनों के होते हैं। कोर्स कर लेने के बाद आप आसानी से आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद कॉलेज, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल्स, प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री, रिसर्च में काम कर सकते हैं जिनकी सैलरी 8,000 से 35,000 के बीच होती है शुरुआत में एक फ्रेशर के रूप में। कोविड के बाद इसे एक नया करियर ऑप्शन माना जा सकता है। कोविड काल के बाद लोगों में हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस भी बढ़ी है। दोस्तों देश भर में इसके कई सेंटर हैं जैसे पतंजलि, एनआईए, पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज और भी इस तरह के कई सेंटर ओपन हो चुके हैं। जैसे अभी रिसेंटली भोपाल में भी एक सरकारी पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर ओपन हो गया है जहां रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन की। ये देखिए कुछ जॉब पोर्टल पर आपको पंचकर्म थेरेपिस्ट, पंचकर्म टेक्नीशियन की नीड है जिनकी सैलरी 28,000 रुपए महीना है। वहीं पंचकर्म के लिए पुणे में पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है 15,000 हर हफ्ते की सैलरी के साथ में। दोस्तों यानी फ्रीलांस, पार्ट टाइम या रेगुलर वर्क भी कर सकते हैं कोई भी, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे फ्रेशर हो। इसी तरह से भोपाल, केरला, महाराष्ट्र के साथ कई स्टेट्स में भी गर्ल्स एंड बॉयज की नीड है। और अब सरकारी संस्थानों में इन सेंटर के ओपन होने से गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई किया जा सकेगा इन कोर्स को करके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA नई दिल्ली में दिसंबर की नई बैच शुरू हो चुकी है। 16 से 35 साल के कैंडिडेट 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेसिस या पहले आओ पहले एडमिशन पाओ के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, कहीं रिटन टेस्ट भी होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये कोर्सेस करवाए जाते हैं। कोर्स में हीलिंग, मैनेजमेंट, थेरेपी, मेडिसिन, मशीन ऑपरेशन की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। 50-50% रिजर्वेशन होता है गर्ल्स और बॉयज के लिए। हर इंस्टीट्यूट का एक एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट होता है जिसे भर करके आप गिवन डेट पर सेंड कर सकते हैं। सिलेक्शन होगा तो आपको कॉल किया जाता है। सर्टिफिकेट हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से अप्रूव्ड होते हैं। सर्टिफिकेट के लिए कोर्स की प्रैक्टिकल और रिटन एग्जाम्स में कम से कम 75% लाना भी जरूरी होता है। दोस्तों यहां पर मैं कुछ संस्थान के एडमिशन प्रोसेस और मॉड्यूल दिखा रहा हूं जिनमें इन कोर्स या ट्रेनिंग की पूरी डिटेल दी जाती है। आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इन डिटेल को देख करके समझ जाएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की अलग प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको इस नए करियर ऑप्शन की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करने के बाद औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।